प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के सीधे निर्देश पर चलने वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की प्रशासनिक व्यवस्था एवं पुलिस व्यवस्था के ऊपर कुछ आरोप लगाए। श्री मोहन भाई डेलकर की यह सातवीं टर्म है, यानी करीबन 25 साल से ज्यादा से वो दादरा नगर हवेली सिद्धार्थ जिला का नेतृत्व करते हैं। बावजूद उन्होंने जो सरकारी जमीन है वो सरकारी जमीन के ऊपर सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल या खेलकूद के संकुल का निर्माण नहीं किया, किंतु प्राइवेट SSR कॉलेज का निर्माण किया, जिस वजह से सिलवास के गरीब युवा, बोले आदिवासी, ये सब शिक्षा और खेलकूद से वंचित रह गए। आज जिस सरकारी जमीन पर प्राइवेट SSR कॉलेज का निर्माण किया गया है उसकी अंदाजित कीमत 80 से 100 करोड़ की बताई जा रही है। आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी भवन का निर्माण तो किया गया, किंतु वो आदिवासी भवन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ऐसी बहुत सारी व्यावसायिक कार्य हो रहे हैं, किंतु आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा और आदिवासियों को सालों से अन्याय हो रहा है। आज पुलिस व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश में सुरक्षा और शांति का माहौल बना रहे उसके लिए पुलिस न निरंतर शहर हो या उद्योग हो, जो लोग दहशत फैला रहे, गुंडागर्दी कर रहे, ऐसे लोगों को पकड़ में पासा में बंद किया जा रहा है। उद्योग में जो लोग भंगार या स्क्रैप के माध्यम से खंडनी या हफ्तागिरी कर रहे, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। जब पुलिस ऐसी चौकस व्यवस्था खड़ी कर रही है तब वर्तमान सांसद को लगता है कि उनके आदमी को टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में सलामती का वातावरण, सुरक्षा का वातावरण और सर्वांगीण विकास की ओर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार काम कर रही है। आज हम आदिवासियों के लिए विकास की बात करें तो वर्तमान सांसद के 30 साल के कार्यकाल में जो काम नहीं हुए उससे ज्यादा काम पिछले 4-5 सालों में नरेंद्र भाई मोदी की भाजपा सरकार में हुए। आदिवासी को ही बात करें तो 4,700 से ज्यादा लोगों को सनद दी गई है, 5,700 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, 270 से ज्यादा स्कूलों का नवीनीकरण किया गया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आज प्रदेश में हेल्थ वेलनेस सेंटर नहीं थे ऐसे 17 से ज्यादा हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। हमारे पूर्व सांसद सीताराम भाई गौड़िया ने बताया हुआ है, स्टेडियम का निर्माण, रिवर फ्रंट का निर्माण, कॉलेज का निर्माण, रोजगार का निर्माण, स्वरोजगार का निर्माण, यानी हर क्षेत्र में निर्माण किया गया है। प्रदेश में पूर्ण रूप से विकास, सुरक्षा और सलामती का वातावरण बनने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाले 3 महीनों में प्रदेश में नगर पालिका, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान संसद के पास उनके कार्यकाल में बोलने लायक कुछ शब्द नहीं है या लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे निभा न पाने की वजह से भावनात्मक रूप से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कही है। अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो वो लोकसभा स्पीकर के पास दे सकते थे और फिर जनता के भी जाना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सांसद होने के माध्यम से उनको ब्रीच ऑफ पीस का एक विशेष कानून का प्रावधान उनको दिया हुआ है और यह प्रावधान के अस्तर जिन अधिकारियों से उनको तकलीफ है, फरियाद है, शिकायत है, वो लोकसभा में वो कर सकते हैं और सीधा उनका शिकायत या फरियाद का निवारण भी हो सकता है, किंतु वो भी उन्होंने नहीं किया और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को बहकाने की भावनात्मक रूप से बात रखी है। अगर उनको इस्तीफा देना ही है तो जरूर दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती है कि प्रदेश में जनहित के कार्य, सर्वांगीण विकास का कार्य और सड़क सुरक्षा और सलामती का कार्य निरंतर चलता रहेगा और लोगों को उसका लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।